आज हम लोग नए वर्ष के मौके पर कतनिया घाट में घूमने आए हैं। 8-9 लोग हम लोग हैं। बहुत ही इंजॉयमेंट किया आज, बहुत ही अच्छा लगा अंदर जाके भी, और काफी हिरन विरन देख। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच जनपद के कतरनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र में। जो आज हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, नए वर्ष की खबर है। 2020 का आज पहला दिन स्टार्ट हुआ है। बुधवार के दिन काफ़ी संख्या में पर्यटक कतरनिया रेंज में जो घड़ियाल सेंटर बना है, यहाँ पे देख रहे हैं इको एवरनेस सेंटर पे, यहाँ पे पर्यटक मौजूद हैं भारी संख्या में। जो वीडियो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीडियो कहीं और का नहीं, ये बहराइच जनपद के कतरनिया घाट का है। यहाँ पे आज के दिन में जो नए साल का पहला दिन होता है और बाकी तमाम त्यौहारों पर तमाम पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन आज खास उत्साह नज़र आ रहा है पर्यटकों में। आप देख सकते हैं साफ कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जो पर्यटक मौजूद हैं, इनके लिए कैंटीन में भी आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। जो कैंटीन का वीडियो आप देख रहे हैं, इस कैंटीन में भी काफ़ी भारी संख्या में लोग बैठे हैं और नाश्ता पानी अपना कर रहे हैं। और यहाँ तक ये कहा जा सकता है कि आज यहाँ पर जो जंगल सफारी के लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं वन विभाग की तरफ से, 3 जीनान व 6 जिप्सी गाड़ी हैं, सभी फुल चल रही हैं। सुबह के टाइम से ही यहाँ पर जो एकदम फुल है। जो बोटिंग का सिस्टम आप देख रहे हैं, 2 बोट हैं। पहला बोट आप देख रहे हैं, ये पर्यटक लोग जा रहे हैं और ये भी लगातार यहाँ पे घंटों इंतज़ार आदमी को करना पड़ रहा है। आज के दिन लगातार जो कतरनिया की एक खासियत है, अपने आप में सुंदरता है, वो बढ़ती जा रही है और जो पूरा कैंपस है यहाँ पे खचाखच पर्यटकों से भरा हुआ है। दूसरा वीडियो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जो चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज का है। ये उत्तर प्रदेश में एक घाघरा नदी जो बहती है उत्तर प्रदेश की, वो यहीं से निकल रही है, इस बैराज से निकलती है। इस बैराज पे भी आप पर्यटकों की संख्या देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पे पर्यटक लोग मौजूद हैं और लगातार जो वन विभाग के अधिकारी हैं व कर्मचारी हैं, एकदम से ड्यूटी लगी है। यहाँ तक कि वन विभाग को आज कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। तमाम रसूखदार लोग भी यहाँ पर आते हैं और अपने आप की वन विभाग के ऊपर धौंस जमाते हैं, फिर उसके बाद बिगर एंट्री के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए वन विभाग ने खास इंतजाम किए हैं और STTF के जवानों को यहाँ पे बैठाला है। आप ठीक वीडियो में जो फोटो देख रहे हैं, जो कुर्सी के ऊपर ये जवान बैठे हैं, STTF के जवान हैं, वन विभाग का सहयोग करते हैं लगातार। और दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो नेपाल, जो मतलब आज नया साल इंडिया के लोग धूमधाम से नेपाल में जाके मनाते हैं, लेकिन आज ये सेम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेपाल के भी लोग यहाँ पे जो पर्यटक हैं वो आए हुए हैं। नेपाल के भी पर्यटक यहाँ पे हैं और तमाम पर्यटक हैं जिनसे हम बात करेंगे लगातार और आपको दिखाएंगे कि उन्होंने कैसा क्या क्या अपनी राय दी है कतरनिया के बारे में। खास करके कतरनिया में एक उत्साह का माहौल जो है, जंगल सफारी। एक वीडियो और हम आपको दिखाते हैं, कतरनिया में जयमाला व चंपाकली 2 हथनी यहाँ पर पाली गई हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं जो इस टाइम उनकी सवारी के लिए थोड़ा बंद चल रहा है सीजन में, जो स्टार्टिंग नहीं हो पाई थी उनके पर्यटकों के घूमने के लिए, लेकिन जो हाथी यहाँ पे बांधे गए हैं देख रहे हैं आप ठीक टीवी स्क्रीन में, लेकिन वन विभाग के कुछ कर्मचारी इन लोगों को पर्यटकों को खुश करने के लिए उनके ऊपर बैठा रहे हैं। वहाँ पे लोग गन्ना खिला रहे हैं, कोई कुछ खिला रहा है जयमाला व चंपाकली को। जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं ये चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज का जो वीडियो आप देख रहे हैं, खचाखच संख्या में भर रहे हैं। कई दुकानें यहाँ पे लगाई गई हैं ग्रामीणों के द्वारा कि पर्यटक लोगों को दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की, और सारी सुरक्षा व्यवस्था जो देखना चाहिए वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे अभी नहीं दिख पा रही है, एक तरीके से कहा जा सकता है। जो ट्रैफिक है यहाँ पे एकदम जाम की स्थिति पैदा हो जा रही है बार बार। जो गार्ड के सिपाही हैं वो 2 ही लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जो पर्यटक इकट्ठा हुए हैं, इनके लिए एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जो गार्ड के सिपाही हैं इन लोगों को, लेकिन ये लगातार यहाँ के ट्रैफिक जो जाम है उसको खुलवाते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज का वीडियो है। यहाँ पर जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष बना है, इसमें एकदम जाने के लिए आज बंद कर दिया गया, किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या बढ़ते हुए देख यहाँ के जेई जो है उन्होंने एकदम खास बंद कर दिया है आज अंदर जाने के लिए। लेकिन पर्यटकों की जो संख्या है चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज पर कतरनिया से कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है, जाम की स्थिति पैदा कर रही है। जो वीडियो में आप साफ देख रहे हैं जो बैराज ये बना हुआ है, सुंदरता से लबरेज है, इसकी अलग ही कहानी है। लगातार हम आपको जो छोटी बड़ी खबरें हैं कतरनिया की वो सब दिखाते हैं। चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज पर जो एक वीडियो और देख रहे होंगे आप, ये पूरा एकदम पर्यटक लोग अपने आप भी खाना बनाते नज़र आ रहे हैं। ठीक मेरे कैमरे के पीछे आप देखिए कि जो भारी संख्या में पर्यटक लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पे पर्यटक लोग हैं, ये देखिए उस पार का आप वीडियो देख रहे हैं, जो पर्यटक लोग अपनी गाड़ी खड़ी किए हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आप ठीक लाइव स्ट्रीम वीडियो देख रहे हैं, जो पर्यटक लोग वहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। और ये देखिए ठीक एकदम देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर भी खड़ी हुई हैं, और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि
जो घाघरा बैराज है, इस बैराज के ऊपर जो पानी बह रहा है, इससे और ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आने के लिए उत्साहित रहते हैं। आसपास के जनपद लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, तमाम दूर दराज के लखनऊ के इत्यादि शहरों के लोग यहाँ पे आज मौज मस्ती करने के लिए आए हैं नए साल के 1 जनवरी। श्रीवास्तव है, मैं बहराइच से आ रहा हूँ। आज हम लोग नए वर्ष के मौके पर कतरनिया घाट में घूमने आए हैं। 8-9 लोग हम लोग हैं। बहुत ही इंजॉयमेंट किया आज, बहुत ही अच्छा लगा अंदर जाके भी, और काफ़ी हिरन विरन देखने को भी मिले हैं, और बहुत ही अच्छा इन्जॉयमेंट हुआ आज। इसलिए आए, बोल रहे थे नेपाल में लड़के लोग इधर घूमने के लिए बड़े बढ़िया जगह है, इसलिए हम लोग आए। अभी तो अंदर नहीं गए, अभी घुसने वाले टिकट शिकट काट रहे हैं उधर पीछे, अभी देखेंगे थोड़ी देर में कैसे। बोल रहे थे बहुत अच्छा है, इसलिए आए थे। नेपाल से किस चीज़ से आप लोग आए? नेपाल से हम लोग उधर बिछा से होके इधर ऑटो से आए थे। क्या किलोमीटर का सफर रहा? सफर तो ज्यादा नहीं, 6 किलोमीटर, इतना ही दूर, बिछा से 6 किलोमीटर दूर। पहले भी कभी आए हैं? पहले तो कभी नहीं आए थे। पहली बार आए? हाँ, पहली बार। कैमरा पर्सन दानिश मलिक के साथ जुनेद खान, सीआईबी इंडिया न्यूज, बहराइच। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।